सो दोस्तों, मैं आज के इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाला हूं कि फ़ोन पे में जो है बैंक कैसे ऐड करेंगे, क्योंकि जो है फ़ोन पे का न्यू अपडेट आ गया है। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं, पहले जो है यहां पे नीचे माई मनी का ऑप्शन शो करता था और यहीं से जो है बैंक ऐड होता था, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं माई मनी की जगह जो है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन आ चुका है। तो अगर आप जो है पुराने यूज़र हैं और आप जो है बैंक ऐड करना चाहते हैं या बैंक अकाउंट को जो है चेंज करना चाहते हैं, तो आपको जो है ये ऑप्शन नहीं मिल रहा है। या आप एक नए यूज़र हैं और आप फोन पे में बैंक अकाउंट को ऐड करना चाहते हैं, तो आप कैसे ऐड करेंगी वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो इसके लिए जो है आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए जो है आपको सबसे पहले फ़ोन पे ऐप को जो है ओपन कर लेना है। जैसे ही ओपन करेंगे तो आपको जो है कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं नीचे जो है यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं शो कर रहा है बैंक ऐड करने का। पहले यहाँ पे जो है नीचे माई मनी का ऑप्शन शो करता था, उसके बाद जो है बैंक ऐड होता था, लेकिन यहाँ पर जो है नीचे कोई ऑप्शन शो नहीं कर रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हैं लेफ्ट साइड में जो है यहाँ पर एक सिम्बॉल यहाँ पर दिख रहा है। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर हम फोटो लगाए तो फोटो शो कर रहा है आपको जो है, अगर आप फोटो लगाए होंगे तो फोटो शो कर रहा होगा, नहीं तो फोटो भी नहीं शो कर रहा होगा और आपको जो है सिंबल शो कर रहा होगा। तो इस पे जो है आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रोफाइल सेक्शन आपको ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे देख सकते हैं अगर आप पहले से बैंक लिंक किए होंगे तो यहाँ पे जो है शो कर जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हम यहाँ पे जो है तीन बैंक अकाउंट को लिंक किए हुए हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये तीनों जो है यहाँ पे कार्ड बन के शो कर रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, देख सकते हैं व्यू ऑल पेमेंट मेथड, यहाँ पे देख सकते हैं इस पे जो है आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा ऐड न्यू का। जैसे कि देख सकते हैं ऐड न्यू पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप ऐड न्यू पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे जो है बैंक डिटेल आपको यहाँ पे सर्च करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप जो भी बैंक को लिंक करना चाहते हैं यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है। जैसे कि चलिए यहाँ पे हम पेटीएम पेमेंट बैंक को जो है यहाँ पे लिंक करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आ चुका है। अब यहाँ पे जो हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ से जो है बैंक आपका लिंक हो जाएगा। उसके बाद अगर आप जो है बैंक को अनलिंक करना चाहते हैं तो आपको कैसे लिंक करना है, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो है बैंक चार हो चुका है। तो जैसे कि चलिए हम एक बैंक को अनलिंक करना चाहते हैं तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं। जो भी बैंक अकाउंट को आपको लिंक करना है उस बैंक अकाउंट को आपको जो है क्लिक करना, चलिए इस पर हम क्लिक कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो कुछ इस तरीके का ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहां से आप चेंज भी कर सकते हैं। यहां पे देख सकते हैं सेट एज प्राइमरी का ऑप्शन है, यहां पे देख सकते हैं। तो यहां से जो है बैंक अकाउंट चेंज हो जाएगा। यहां पे देख सकते हैं सेट एज प्राइमरी पे टिक कर देंगे और इसके बाद यहां पे कंफर्म पे क्लिक कर देंगे तो यहां पे जो है आपका बैंक अकाउंट यहां पे प्राइमरी हो जाएगा, जिस बैंक अकाउंट में आप पैसा रिसीव करना चाहते हैं यहां पे देख सकते हैं। अब यहां पे ऑप्शन है अनलिंक बैंक अकाउंट, यहां पे देख सकते हैं इस पे जो है आपको क्लिक करना है, और यहां पे अनलिंक का ऑप्शन है इस पे जो है क्लिक कर देंगे तो आपके जो है फोन पे से जो है बैंक अकाउंट रिमूव हो जाएगा। और यहां पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से जो है रिमूव हो चुका है। और जो है अगर आप जो है बैंक अकाउंट चेंज करना चाहते हैं, यानी कि जो है जो बैंक में आप पैसा रिसीव करना चाहते हैं उसे चेंज करना चाहते हैं, तो उस बैंक पे आपको क्लिक करना है। जैसे कि यहाँ पे चलिए हम इस बैंक में पैसा लेना चाहते हैं तो हम इस पर क्लिक करेंगे, और इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं सेट एज प्राइमरी का ऑप्शन है, इसे इस पर टिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे तो ये प्राइमरी अकाउंट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप बैंक को यहाँ से लिंक कर सकते हैं और अनलिंक भी कर सकते हैं, और इसे मैनेज भी कर सकते हैं कि किस बैंक अकाउंट में आप पैसा रिसीव करना चाहते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर जो है फ़ोनपे का वॉलेट यहाँ पे शो कर रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से जो है आप मतलब पैसा को ऐड भी कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो है वॉलेट ओपन होता है कुछ इस तरीके से। तो आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे जो है बैंक डिटेल बहुत ही आसानी से ऐड हो जाता है। जैसे कि नया वर्जन यहाँ पे आया है, फोनपे को जो है अपडेट किया गया है, तो यहाँ से जो है आपको ऑप्शन मिल जाएगा अगर आप बैंक ऐड करना चाहते हैं, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से जो है फ़ोनपे के न्यू अपडेट में जो है बैंक को ऐड कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।